बस वही वाले टीवी वाले कमरे का बच्चा है। और जगह मिलेंगे नया हाँ तो फिर वही पूजा का बाजे में तो ये सब भी लग सकता है, ये सब नया ही तो है, काला वाला भी लग सकता है ये सब। हाँ वही तो, जैसे जब बदलेंगे तो दूसरा ला के फिर रखा देंगे। यहाँ बैठे हैं अनीता का रोज रोज इधर से झाड़ू नहीं होता ना, खाली आगे आगे कर पाती है, डेली भी तो इधर नहीं होगा। हाँ ये बेड पे रखते हैं। आ रे बेटा ले है। लेकिन कट नहीं किए, कट नहीं किए इस पे भी थी ना तो हम तो इस पे चली गई थी। ये काट दे फट से, कितना करना पड़ेगा लास्ट मशीन आपका। क्या बेटा तो ना वही रहो भैया के पास बेटा, देखो हड्डा आ गया है भैया पास। चलिए आपको यहाँ का पर्दा दिखाते हैं, एक एक जगह की सफाई हो रही है, एक एक जगह पर्दे लगते जा रहे हैं, क्योंकि फिर सफाई करो, फिर पर्दे हटाओ, फिर लगाओ, फिर धुलो, बहुत जैसे मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता, पूरी जिंदगी काम ही करने में बीत जाएगी। तो देखिए यहाँ के पर्दे कैसे लग रहे हैं, ये इस रूम के पर्दे आए हैं, मतलब इसको पोर्टिको, पोर्टिको या जो भी कह, हाँ पोर्टिको ही कहते हैं, ये बाहर वाले पोर्टिको का पर्दा है। और ये इधर तो यहाँ का तो हट गया, क्योंकि यहाँ शीशे वाले दरवाजे लग गए, इसलिए यहाँ के पर्दे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे बाहर से कोई देख नहीं सकता है। तो ये यहाँ का भी हो गया है, अभी मेरे टीवी वाले कमरे का नहीं हो पा रहा है, उनको पसंद ही नहीं आ रहा कि कौन सा लें, मतलब कुछ अलग लेना चाहते हैं हर सम, एक ही बार हर जैसे हो जा रहा है कुछ ना कुछ, तो अलग लेना चाह रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, बच्चे सोए हैं, अभी सोए हैं ये लोग 3:30-4 बजे,
और इस समय बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं। अभी बाबू छोटा वाला फिर उठा था, फिर सुला के आया उसको। लोग अच्छे से सोते ही नहीं कि 1 घंटा अच्छे से सो जाए। टॉवल भी गीली है। रोज तो रोज मेरा जैसे कपड़ा का वो हो गया है, अभी ऊनी कपड़ा भी निकलवा दिए हैं। पापा भी कह रहे थे मेरा हाफ स्वेटर इन्हें उन्हें निकाल दो, ठंडा लगता है सुबह शाम, वो भी सब निकलवाए हैं। अब धीरे धीरे धुलेंगे फिर पहनने लायक होगा। इधर की भी हो गई सफाई, तो जैसे कि नाम ही नहीं ख़त्म होता सफाई का। चलिए अभी फिर ये सब कपड़े वपड़े हटाएं, फिर मिलते हैं आप लोग से, नहीं तो अभी उठ जाएंगे फिर हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी काम करें पहले। एक बार सुबह नीता 7 बजे झाड़ू लगा देती है, उससे पूरा दिन नहीं चलता। कम से कम हम 2 बार, उसके बाद हम 2 बार झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि तो बच्चे हैं, लेकिन गंदा सिर्फ रेहान सी करते हैं, हैं तो बच्चे दो, लेकिन रेहान सी खाली अभी गंदा करते हैं। अभी उनको गंदा करने में थोड़ा समय है, लेकिन हालत मेरी खराब होती है, पूरा काम, फिर बच्चे, फिर ये सब, हालत मेरी खराब होती है सब में। एक चप्पल यहाँ उतार के फेंकेगा, एक चप्पल वहाँ उतार के फेंकेगा, और फिर अनीता के करने में और हम लोग के काम करने में अंतर है, क्योंकि वो सिर्फ आगे आगे लगाएगी और हम लोग देख के छोड़ तो नहीं सकते ना, इसलिए। और देखिए ऐसा भी नहीं कि कूड़ा नहीं निकलते, शायद पापा आ गए, हम गेट खोल के आते हैं पहले। चलिए मिलते हैं अभी। पापा नहीं, अनीता आई है, हमें लगा पापा आए हैं। तो ये अभी कमरा फैला है, अभी रियांश नूडल्स बनाने के कहे थे, वो भी रखे बॉयल करने को, उठने से पहले तैयारी कर ले, नहीं तो वो भी रोएंगे, झंझनाएंगे, और डुगू उठ गए तो। और मेला खत्म है नीता? अरे जहाँ भी लगता है, तुम्हारी तरफ लगता है ना, बता रही थी आज। इसको पहले हम डाल दें हैं। अच्छा तो पहले हम ठंडा पानी करके रख देना, एक चिपक जाएगा तो। एक दो दिन इधर अपने पापा के साथ गए हैं ना घूमने, तो इनको चस्का चढ़ गया, आप रो रहे थे एक हफ्ते, चलिए घूमने चलिए घूमने।
इसी तरह सुलाए हैं। हाँ बहुत रो रहे थे हम, कहते अच्छा चलो सो के उठे तो नूडल्स बनाएंगे तो ऑरेंज जूस देंगे तो पार्टी करना। मैं अभी बनाऊँ क्या, अभी नहीं इधर ही आएगी तो सब्जी मंगाएंगे, अभी सब्जी नहीं है। इनको कोई चीज हो तुरंत करो, और डुगो नहीं सो रहे थे। कपड़ा भी सब मोड़ दे, इसमें प्रेस करने को रख दे, आज तो वेडनेसडे है, अगर आज अभी फ़ोन कर देंगे आएगा ले जाकर तो ठीक, नहीं तो फिर फ्राइडे को, क्योंकि थर्सडे को देते नहीं। इतना कपड़ा हो जाता है ना, आज भी धोए वो भी ले आए। धो रहे हैं तो इसी लगे सब धो दिए, नहीं तो फिर कल थर्सडे हो जाएगा, फिर पड़ा रहेगा। कपड़ा हो गया ये बन गया हमारा नूडल्स। रियाज के लिए सादा निकाल दिए हैं क्योंकि वो तीखा हो गया होगा, ये मिर्च वगैरह डाले तो उनको सिर्फ सॉस और हल्का सा मैगी मसाला डाल के बनाएंगे अभी उठेंगे तब। सबसे पापा आ गए, हम पापा को चाय पानी के लिए, और ये नूडल्स बंद कर देते हैं गैस। जब रियाज के पापा आएंगे तब हम लोग खाएंगे, सॉस वगैरह ऊपर से ही मिलाएंगे क्योंकि अभी मिला के रख देंगे ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। चलिए अब हम पापा के लिए चाय पानी बना दें क्योंकि पापा तो खाते नहीं है। पापा के लिए आलू का पकौड़ी बना देते हैं। बॉटल अठम धो के रख दी स्कूल के लिए सुबह, 4 दिन की छुट्टी कैसे दे दी पता नहीं चलता, लेकिन घर पे रहते तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है बच्चों को देखने में, तो हम इत्मीनान से काम कर पाते हैं। घर पे रहते हैं तो बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी रियाज के पापा। तो अब बॉटल अठम धो के रख दी, सुबह टिफिन वगैरह की तैयारी कर दी, अभी अब खाना बाबू का पानी खिला रहे हैं, फिर बॉटल वॉटल खिलाएंगे, उसके बाद ये अनीता से सब्जी मंगवाए हैं इसको रख दें क्योंकि सब्जी हरी सब्जी रियांश के पापा ले आते हैं, बोलते हैं आलू और प्याज मंगवा लिए क्यों, क्योंकि जौनपुर से ले आने में हैवी हो जाता है झोला आलू प्याज का, इसलिए बोलते हैं तुम आलू प्याज ले आया करो, तो हम कभी कभी हरी सब्जी मंगा लेते, मना कर देते कि सब्जी मंगा ली आप मत लाइएगा। तो आसान रहता है, अनीता से भी हेल्प हो जाती है, जैसे सब्जी वगैरह ले आती है तो उनको आराम रहता है वहाँ से आने में। छुट्टी हाँ बेटा मत आना इधर, पानी हम लिए तो बहुत हेल्प हो जाती है घर पे रहते हैं तो। ये डुगो का पानी खोल गया, अभी धो के रख दिया ब्रियाश, और डुगो का बॉटल धो दें, फिर सब्जी वगैरह देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो हम चाय भी नहीं पिए, पापा को चाय बना के दे दी, अपना रखे हैं ऐसी, अब आ जाए रियाज के पापा तो इकट्ठे पियेंगे। चलिए गनीमत है आज धनिया मिल गई, तो धनिया ही नहीं जल्दी इधर बेच मिलती, बोलते धनिया दिखेगी ले लेना, और इधर अभी धनिया ही नहीं मिल रही थी सही से घर से।
धनिया, मूली मेन रहता है, मूली रियाज के पापा को अच्छी लगती है। तो खुलता नहीं, गट्ठी भर से बंधा जाता है तो नुकसान। और बड़ी पन्नी रहती है तो डस्टबिन में लगाने में सही रहता है ना, नहीं तो हम फाड़ ही देते हैं, नहीं खुलता तो। खुल गया। फट गई बच्ची, बच्चा चक्कर में फटी गई। बड़ी पन्नी डस्टबिन में लग जाता है तो आगे आगे सब सही रहता है। अब गिरो पड़ो नहीं भाई, तो हम कहाँ कहाँ भीगने जाएंगे। अरे बाप रे, वैसे भी मेरे कमर की ऐसी तैसी हुई है आज। आज क्या, बहुत दिन से नीचे भी गिरा है। चलिए हम सब जुब्जी रखते हैं, हम सब जुब्जी की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। बाय बाय। क्या बेटा, दे दे। बेटा हट, आना है, धूप दिखाने में रखे थे, रुक जाओ, हम आ रहे, छूना नहीं, आप छीटा जाएगा, हम छीटा जाएगा, आप छूना नहीं। चलिए मेरा आटा सन गया, सब्जी कट गई, जितना कपड़ा फैला ले, क्योंकि सब निकल गया, आप फिर रखो, कल थर्सडे हो जाए, हम धोना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी हो जाती है तो धोना पड़ता है, थर्सडे को बहुत ज्यादा हो जाता है तो, लेकिन सोच रहे हैं इसी समय निपटा देंगे, मशीन में डाल देंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे और निकालते रहेंगे, तो हमको कल नहीं चला, हम बहुत बचते हैं थर्सडे को कपड़ा देना और कपड़ा खोलने से। पर्दा भी आज कहीं जगह का निकल गया ना बाहर। क्या हुआ बेटा? अच्छा खेलो, आराम से स्लीपर पहनो बेटा। इस पर्दे को ऐसे करके डालते हैं तो सही रहता है, लेकिन तब भी पेक दो तो टूट ही जाता है। हाँ बेटा, ओके वेरी गुड। झुनझुना बजाते रहो, हम आ रहे हैं बेटा। दीपावली सफाई अभी से शुरू है, देखिए कब तक चलती रहती है, हमेशा सफाई चलती रहेगी। हम आ रहे हैं, झुनझुना बजाते रहो, हम आ रहे हैं। इसको बांध के डालेंगे तो सही रहेगा ना। चलिए हम मिलते हैं।
बाबू का दूध भी खत्म हो रहा था तो वो भी मंगवा लिए। उसमें चीनी और वो सब बाद में निकल। पापा दे कुछ रोटी सब्जी दे रहे। हाँ डुगू का है।